जुलाई का महीना खत्म हो चुका है और अब बारी है अगस्त की, और अगस्त के मंथ में काफी सारे फिल्में आने वाली हैं, जहां पर बहुत सारे क्लासेस भी देखने को मिलने वाला है इस मंथ के अंदर। सो लेजेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अगस्त के मंथ में आने वाली टोटल 15 बड़ी फिल्मों के बारे में। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड गाइस, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को जल्द से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन में आता है उलझ। ये हिंदी लैंग्वेज की आने वाली एक स्पाई थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसका डायरेक्टर है सुधांशु सारिया, जिसके अंदर एक यंग आईपीएस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलने वाला है, जिसका किरदार प्ले कर रहे हैं जानवी कपूर, और ये मूवी 2 अगस्त को आने वाली है। मेरी आइडेंटिटी, मेरा वजूद, वो सब छीन लिया है, सब। नंबर 2 में आता है औरों में कहां दम था। अजय देवगन की मोस्ट एंटीसिपेटेड एंड बॉलीवुड की रोमांटिक थ्रिलर मूवी होने वाली है औरों में कहां दम था, स्टेयरिंग अजय देवगन, तब्बू एंड जिमी सिरगी, जहां पर इस मूवी को डायरेक्शन दिया है नीरज पांडे ने, जो 2 अगस्त को आने वाली है। नंबर 3 में आता है दी साबरमती रिपोर्ट। दी साबरमती रिपोर्ट हिंदी लैंग्वेज की आने वाली एक ट्रू इवेंट के ऊपर बेस्ड मूवी, जिसको डायरेक्शन दिया है रंजन चांदेल ने, जिसके अंदर विक्रांत मेसी, रसिक खन्ना एंड रिद्धि डोगरा लीड रोल में नजर आए, और ये मूवी औरों में कहां दम था एंड उलझ के साथ 2 अगस्त को क्लैश करने वाली है। मुझे लगता है आग लगी नहीं, लगाई गई। नंबर 4 में आता है बाबू। ये मराठी लैंग्वेज की आने वाली एक एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली, जिसका राइटर एंड डायरेक्टर है मायूर माधुकर सिंध, जहां पर नेहा मंजन, अंकित मोहन एंड स्मिता तांबे के साथ और भी कलाकार नजर आए, और ये फिल्म भी 2 अगस्त को आने वाली है। नंबर 5 में आता है आलिया बासु गायब। ये हिंदी लैंग्वेज की आने वाली एक किडनैपिंग के ऊपर बेस्ड मूवी है, जिसका डायरेक्टर है प्रीति सिंह, स्टेयरिंग सीमा सेन, विनय पाठक एंड सेलिन दीवा, और मूवी के अंदर किडनैपर सीमा सेन को गलती से किडनैप कर लेते हैं, और इसके ही अराउंड होने वाली है इस मूवी का स्टोरी, जो 9 अगस्त को आने वाली है। नंबर 6 में आता है फिर आई हसीन दिलरुबा। ये साल 2021 की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हसीन दिलरुबा का सीक्वल होने वाला है, जिसके पहले पार्ट को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। अब इसका 2 पार्ट आने जा रहा है, जिसके अंदर विक्रांत मेसी, तापसी पन्नू एंड सानी कौशल लीड रोल में है, जहां पर फिल्म को डायरेक्शन दिया है जयप्रकाश देसाई ने, और इसको बनाया गया है येलो प्रोडक्शन एंड टी सीरीज के बैनर तले, जो बेसिकली 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। नंबर 7 में आता है स्त्री 2। स्त्री 2 अगस्त के मंथ में आने वाली काफी बड़ी मूवी होने वाली है, जो बेसिकली दिनेश बिजन की हॉरर कॉमेडी मूवी यूनिवर्स का हिस्सा है, और इस मूवी के लिए ऑडियंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लीड रोल में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव एंड पंकज त्रिपाठी के साथ और भी कलाकार नजर आएंगे, और अपडेट के अकॉर्डिंग कैमियो होने वाली है अक्षय कुमार एंड वरुण धवन, डायरेक्टर है अमर कौशिक, प्रोड्यूस्ड बाय दिनेश बिजन एंड ज्योति देशपांडे, जिसको बनाया गया है अंडर द बैनर ऑफ मैड डॉग फिल्म्स एंड जियो स्टूडियो, जो सिनेमा घरों में 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। नंबर 8 में आता है डबल स्मार्ट शंकर। ये भी एक बड़ी मूवी होने वाली है अगस्त के मंथ की, जो बेसिकली स्त्री 2 के साथ सेम डेट पर रिलीज होने वाली है, और डबल स्मार्ट शंकर जो साल 2019 की एक तेलुगु मूवी स्मार्ट शंकर का सीक्वल होने वाली, जिसका राइटर एंड डायरेक्टर है पुरी जगन्नाथ, जिसके लीड रोल में है राम पोथनियानी एंड नेगेटिव किरदार प्ले कर रहे हैं बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त, जो बेसिकली एक पैन इंडियन एक्सपेरिमेंटल मूवी होने वाली है, और रिलीज डेट है 15 अगस्त। नंबर 9 में आता है थंगला। जियान विक्रम की मच अवेटेड मूवी होने वाली है थंगला, जो साउथ इंडस्ट्री से आने वाली एक और बड़ी पैन इंडियन मूवी होने वाली है, जहां पर मूवी को लिखा है और डायरेक्शन दिया है पा रंजीत ने। ये हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसके अंदर आपको KGF की असली कहानी देखने को मिलने वाला है, और मूवी के अंदर एक्शन पैक्ड भी दमदार लेवल का होने वाला है, जिससे एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, और मूवी के लिए ऑडियंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसको पहले भी काफी
काफी बार पोस्टपोन का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुकी है जो कि 15 अगस्त को बाकी सारे फिल्मों के साथ क्लैश करने वाली है। नंबर 10 में आता है खेल खेल में। रिसेंटली अक्षय कुमार की मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था सरफिरा, जो बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई। अब सरफिरा के बाद अक्षय कुमार की मूवी आने वाली है खेल खेल, जो एक्चुअली बॉलीवुड की आने वाली एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसके अंदर अक्षय कुमार, फारदेन खान, तापसी पन्नू, भानी कपूर, जॉनी लीवर के साथ और भी कलाकार नजर आएंगे, जिसका डायरेक्टर है मुदस्सर अजीज। जहां पर मूवी का स्टोरी फ्रेंडशिप के इर्द गिर्द घूमती है, जो 15 अगस्त को 3-2 डबल स्मार्ट शंकर एंड थंगलान के साथ काफी तगड़ी क्लैश करने वाली है। नंबर 11 में आता है एमआर बच्चन। साउथ के मास महाराजा रवि तेजा की मूवी एमआर बच्चन, जो बेसिकली रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड मूवी है, यानी कि एमआर बच्चन एक बायोग्राफिकल मूवी है जिसके अंदर रवि तेजा एंड रश्मिका मंदाना नजर आएंगे। जहां पर मूवी का डायरेक्टर है हरीश शंकर, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी को डायरेक्शन दिया था, जो बेसिकली तेलुगु लैंग्वेज की काफी बड़ी मूवी होने वाली। और बात करते हैं रिलीज की, तो इस मूवी को 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। नंबर 12 में आता है पाउडर। पाउडर कनाडा लैंग्वेज की आने वाली एक डार्क कॉमेडी मूवी होने वाली, जिसको डायरेक्शन दिया है जनार्दन चिक्कन्ना ने, प्रोड्यूस बाय केजीआर स्टूडियोज, जिसको बड़े स्केल के साथ बनाया गया है, और ये फिल्म भी बाकी सारे फिल्मों के साथ 15 अगस्त को क्लैश करने वाली है। नंबर 13 में आता है बिलाल। बिलाल बेसिकली एक सीक्वल है ब्लॉकबस्टर मूवी बिग बी का, और बिलाल मूवी सुपरस्टार मामूटी की काफी बड़ी मूवी होने वाली, जो एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसके अंदर मामूटी एंड अर्जुन दास लीड रोल में है, और बिलाल मूवी को 22 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। नंबर 14 में आता है सरीपोदा सनीभारम। साउथ के नेचुरल स्टार नानी, जिन्होंने 2023 में बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी है, पहला है दशहरा और दूसरा है हाई नानी। अब साल 2024 में सरीपोदा सनीभारम के साथ बिगेस्ट कमबैक करने वाले, जो सुपरस्टार नानी की आने वाली काफी बड़ी एक्शन पैक फिल्म होने वाली, और इस मूवी को सिनेमा घरों में 29 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। नंबर 15 में आता है घुड़चढ़ी। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद रवीना टंडन एंड संजय दत्त को किसी एक फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है, और घुड़चढ़ी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है हिंदी लैंग्वेज की, जिसको लिखा है और डायरेक्शन दिया है बिनॉय गांधी ने, जिसको OTT पर 9 अगस्त को जियो सिनेमा ऐप के अंदर देखने को मिलने वाला है। हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी। सो यही था अगस्त के मंथ की आने वाली 15 बड़ी फिल्में। इनमें से कौन से मूवी के लिए आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो आज के लिए इतना ही, चलिए वीडियो खत्म करते हैं।